द लॉस्ट बहरूपिया हमारी फिल्म है जिसको 61st नेशनल अवार्ड मिला है और इसको पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी द्वारा इस फिल्म को सम्मान मिला दिया गया था। तो फिल्म को आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में अवार्ड है और बहरूपिया कला पे ये बनी हुई फिल्म है। बेसिकली जो डाइंग आर्ट है, डाइंग आर्ट या आप कह लें नोमेड ट्राइब, एक ऐसा ट्राइब जो विलुप्ति की कगार पे है और विलुप्त प्रायः विलुप्त हो चुका है, तो उस पर बनाई गई फिल्म है। बहुत कलरफुल फिल्म है, अच्छी फिल्म है, लोगों ने पसंद किया है इसको। मेरी फिल्में दरअसल, चूँकि मैं एक पेंटर स्कल्प्टर रहा हूँ और इसके अलावा मैंने जो फिल्म मेकिंग का ABC सीखा है वो हमारे गुरु रहे हैं मिस्टर अशोक मेहता, द लेजेंड सिनेमाटोग्राफर ऑफ इंडिया, तो उनसे हमने लर्न किया है। तो काम का असर तो हमारे काम पे होगा ही, हाँ, उनसे सीखने का असर हमारे काम पे होगा ही। तो कलर को लेके, कॉम्पोजिशन को लेकर के, ग्राफिक सेंस को लेकर के एक स्टडी है हमारी। और दूसरा क्या है, मेरी फिल्मों में मैं लोकेशंस को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अगर लोकेशंस जो चाहिए वो चाहिए, ये हमने अपने गुरुजी मिस्टर अशोक मेहता से सीखा है। क्योंकि कोई भी किसी भी चीज़ को, हाँ, एक पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो मिल करके खूबसूरत बनाता है। और इसके अलावा सज्जित रे की एक महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक एंगल से बहुत खूबसूरत लगता है, तो अपन वो एंगल ढूंढते हैं कि अगर कोई कहानी कहनी है तो वो किस एंगल से कहनी है। तो वो एंगल ढूंढने की क्षमता है हमारी और मतलब ये लगातार हम, हालांकि आदमी लगातार सीखता ही रहता है, लेकिन हाँ, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इन चीज़ों की समझ है और मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं अपने फिल्म के विजुअल्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता और मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे साथ काम करने वाले जो भी सिनेमाटोग्राफर अभी तक रहे हैं उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया विजुअल्स दिया है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि एक आर्टिस्ट होने का बैकग्राउंड जो है वो उसका मुझे फ़ायदा मिलता है। स्प्रिंग थंडर मैंने जब मैं शुरू मुंबई आया था तो 2006 से 2008-09 के क्रम में ये कहानी मैंने लिखी थी और मैं ये कहानी अपने साथियों को, हाँ, सुनाया करता था। एक हमारे बड़े सीनियर साथी रहे हैं जिनका नाम है नीरज सहाय, जो अभी SRFTI में सिनेमाटोग्राफर फैकल्टी हैं, उनको एक दिन ये कहानी सुनाई। तो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी रहे हैं, बहुत सेंसिबल आदमी रहे हैं, उनको कहानी बहुत पसंद आई। अपने दोस्तों में मैं परिंदा को, जोजफ को, हाँ, ये कहानी मैं शेयर किया करता था, तो लोग मुझे सपोर्ट करते थे, उनको लगता था कि ये कहानी अच्छी है। इनफैक्ट परिंदा ने मुझे एक बार बोला कि राम ये फिल्म करो। मुझे एक 2013-14 में मैं एक फिल्म मैंने की थी गंगोत्री से लेकर के बनारस तक, मैंने एक कमीशन वर्क किया था। तो उस दौरान मैं दूसरों के लिए काम कर रहा था और बहुत एक एनर्जी मेरी बहुत हाई थी, मुझे लग रहा था कि मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए क्यों नहीं कर रहा। तो मैं एकदम से उतावला था कि मुझे ये फ़िल्म करनी है, मुझे एक फ़िल्म करनी है। और मैं इस मोड में था कि मार्केट में कोई कहानी ले जाने पे, हाँ, बाज़ार है जो मुंबई का फिल्म बाज़ार जो है वो इतनी चीज़ों में, इतने टर्म्स कंडीशन में शुरू में ही बांध देता है कि आदमी का कदम ही नहीं बढ़ता। तो उस समय मैं ऐसे मोड में था कि कहानी वानी लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट जाऊंगा और शूट करूंगा। तो मेरे दोस्त यार घबराए हुए थे, परिंदा घबराया हुआ था कि काम ये करेगा तो साथ तो देना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा तो चूँकि पेपर पे चीज़ें होंगी नहीं तो लोग उलझेंगे। तो उसने मुझसे जिद किया और मुझे इंसिस्ट किया कि तुम, तुम्हारी जो स्प्रिंग थंडर है तुम उस पर क्यों नहीं करते। तो स्प्रिंग थंडर पे, मतलब उस समय मुझे, चूँकि मैं जानता था कि बहुत बड़ी कहानी है, विजुअल्स उसके बहुत हेवी हैं, उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना वो बहुत खर्चीला था, तो मुझे लगता था कि वो संभव नहीं है। तो मैंने यही कहा कि नहीं, वो मुश्किल है, वो तो बहुत खर्चीला फिल्म है। तो हम दोनों ही आर्टिस्ट थे, उसने मुझसे पूछा कि बताओ किन चीज़ों में खर्च होगा, ऐसा कौन सा सीन है जिसमें तुमको लगता है कि बहुत खर्चीला होने वाला है।
तो मैंने थोड़ी देर सोचा, हाँ 5 मिनट सोचा मैंने, और मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ जितने भी टफ सीन थे वो सारे विजुअल्स मेरे दिमाग में आए और एक एक करके मैंने उसको कैलकुलेट करना शुरू किया। और चूंकि ताज़ा ताज़ा अभी एक फ़िल्म शूट करके आया था मैं, तो उसके सॉल्यूशंस वगैरह कैसे हम करते रहे हैं, तो उसके सॉल्यूशंस मुझे दिखने लगे, मतलब जो मेरे टफ सीन थे उसके सॉल्यूशन मुझे दिखने लगे, और मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं ये काम हम कर सकते हैं। और फिर मैंने मूड बनाया, मैंने बोला परिंदा को कि नहीं ये करते हैं, कर सकते हैं। नाम की जो बात है, पहले इस कहानी का नाम यूरेनियम था। तो बहुत लोगों ने पूछा यूरेनियम क्यों। हमारी कहानी के प्लॉट में, सेंटर प्लॉट में यूरेनियम का जिक्र है और यूरेनियम माइनिंग के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो अभी मामला यह है कि हमारा पूरा झारखंड जो है वो माइनिंग और खनिज संपदाओं के बतौर जाना जाता है, लेकिन मैं बचपन से उसको बहुत प्राकृतिक स्थल के बतौर उसको जानता समझता था, देखता था। मैं पेंटर था, मैं घूमता था जंगल पहाड़ नदी और अपना कैनवास लेकर के ड्रॉ करना, पेंट करना, तो मैंने तो प्रकृति देखा था। लेकिन जब बाहर निकला पढ़ाई करने और जब दुनियावी खबर और बाकी लोगों का नज़रिया देखना शुरू किया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि लोग झारखंड को माइंस और मिनरल्स के बतौर जानते देखते हैं। तो मुझे अपना ये पॉइंट रखना था। और स्प्रिंग थंडर नाम कैसे पड़ा, क्योंकि फिल्म करने के दौरान मेरे जो एक दोस्त हैं जोसेफ लूना, अभी उनका भी देहांत हो चुका है, परिंदा भी उसका भी देहांत हो चुका है, तो जोसेफ लूना ने मुझे ये नाम सजेस्ट किया कि श्रीराम इसका नाम स्प्रिंग थंडर रखो। तो साउंड मुझे अच्छा किया स्प्रिंग थंडर, मैंने बोला स्प्रिंग थंडर साउंड तो अच्छा कर रहा है, क्या मतलब है इसका। तो उसने बोला पढ़ो, तो मैंने स्टडी करना शुरू किया। तो ऐसे ऑनलाइन और कुछ चीज़ें मैंने सर्च की, तो मैंने देखा कि वो 1976 का जो किसान विद्रोह है भारत में, उस किसान विद्रोह को इंटरनेशनल मीडिया ने, इंटेलेक्चुअल मीडिया ने स्प्रिंग थंडर का उपमा दिया। तो मेरी कहानी एक विद्रोही कहानी तो है, तो मैंने समझा कि अच्छा जोसेफ उसमें वो किसान विद्रोह वाला एंगल देख रहा है, तो ठीक है, मुझे वो साउंड तो अच्छा किया, मैंने बोला चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इस नाम को हम लोगों ने हमें नाम रख पाए। फिल्म से जुड़ी हुई घटना स्प्रिंग थंडर, दरअसल पूरे फिल्म मेकिंग का प्रोसेस ही वो एक बहुत ही ऐसी घटना है, मतलब उसका हर दिन एक चैलेंज हुआ करता था। तो ये पूरी फिल्म मेकिंग ही एक घटना है, तो इसमें बहुत बात की जा सकती है। तो अब सब यादों की तरह है, लेकिन सबसे मज़ेदार तो यही कि मतलब हाथ में कुछ मुट्ठी भर पैसे थे और इसके साथ 10 लोगों की टीम लेकर के मुंबई से मैं झारखंड निकल गया, और वहाँ जा कर के एक बड़ा सा एक स्टूडियो हम लोगों ने सेटअप किया, और फिर वहाँ लोकल में हम लोगों ने लोगों को जोड़ना शुरू किया, और करीब 40-45 लोगों की टीम, हम लोग एक साथ रहना, खाना पीना, और पूरे फिल्म को अचीव करने का एक जुनून लोगों में सवार था। क्योंकि पूरी फिल्म मेरे साथियों ने मिल करके छोटा छोटा ड्राइंग हम लोगों ने पूरे कमरे में फैला रखा था, मतलब धागे में लपेट करके पूरी फिल्म का एक दो दो पांच पांच स्लाइड हम लोगों ने पूरे स्टूडियो में डाल रखा था। तो लोगों को पता होता था कि हम लोग क्या शूट करने वाले हैं या कहानी क्या है, विजुअल्स कैसा है। तो शुरू में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न था, लेकिन जब ये ड्राइंग हम लोगों ने करके रख दिया, तो टीम के हर एक मेंबर, हालांकि ज़्यादातर अमेच्योर लोग थे, लेकिन लोगों को फिल्म दिखने लगी और समझ में आता था कि अच्छा हम क्या करने वाले हैं। और घटनाओं में मतलब हमारे पास संसाधन की बहुत कमी थी, तो हम लोगों को ओरिजिनल लोकेशंस और बहुत ओरिजिनल एम्बियंस क्रिएट करना होता था या ढूंढना होता था। तो उसको ढूंढने क्रम में मतलब कई बार ऐसी स्थितियाँ आई कि
प्रशासनिक बहुत सारी अड़चनें भी आई, बहुत सहयोग भी रहा लेकिन बहुत तरह की अड़चनें भी आई। कई बार हमारी टीम का बहुत तरह के लोकल लीडर्स और लोगों के साथ बहुत कंफ्यूजिंग आमना सामना भी हुआ। लोगों की समझ में नहीं आता कि हमारी मंशा क्या है, तो लोग हम लोगों को मतलब लोकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के बतौर भी लोग देखते हैं कि अच्छा हम किसी का दल हैं क्या, किसी की पार्टी हैं क्या, हाँ हम चीज़ों को डिस्टर्ब करने आए हैं क्या। लेकिन वो बाद में रियलाइज़ भी करते कि नहीं, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं रही है। तो कई बार हम लोगों ने थाना, जेल, कोर्ट, कचहरी मैंने हमारी पूरी टीम ने देखा, झेला। आज भी बहुत तरह की स्थितियाँ ऐसी हैं और संसाधनों के अभाव के कारण हमेशा हम लोग जो भी हमारे पास गाड़ियाँ और खाने पीने रहने या किसी भी तरह की जो सुविधाएँ थी वो हमेशा हम धकेलते हुए ही, हाँ पूरा शहर हम लोगों को, हम जब भी सुबह स्टूडियो से निकलते तो गाड़ी हम लोग धकेलते हुए पाए जाते थे। कोई पूछता क्यों ढकेल रहे हैं, गाड़ी ख़राब हो गई क्या, हाँ गाड़ी ख़राब हो गई, जबकि तेल ही नहीं होता था। तो हम लोग शहर भर में घूम घूम के गाड़ी का तेल करा दो, तो खाना करा दो, तो ये करा दो, वो करा दो, बहुत तरह की चीज़ें हैं। और उसमें महत्वपूर्ण घटना ये है कि फिल्म का पहला शेड्यूल होते होते नेशनल अवार्ड का जो अनाउंसमेंट हुआ तो उससे सोसाइटी ने हम लोगों को सीरियसली लेना शुरू किया। एक तो वैसे ही झारखंड में फिल्म मेकिंग का कोई ज़मीन नहीं था उस दौरान, तो लोगों के समझ में नहीं आता था कि फिल्म मेकिंग ऐसे करते हैं क्या। टेलीविज़न पे लोगों ने देख रहा था कि फिल्म तो बहुत ह्यूज सेटअप और बहुत तरह के तामझाम से होता है, हम लोग ऐसे 5D कैमरा लेकर के, छोटा सा GoPro लेकर के और शूटिंग बहुत सीरियसली अटैम्प्ट ले रहे होते, तो लोग हंसते हंसते भी थे, लोगों की समझ में नहीं आता था। पर आज स्थितियाँ बदल गई हैं, आज 2014 के बाद अभी तो मतलब अब हमारे यहाँ मतलब स्टेट में और स्टेट क्या हमारे शहर में हर 10-15 दिन पे कोई एक फिल्म बन रही होती है और बड़े बड़े फिल्म मेकर सब लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं वहाँ पे फिल्म। एक अच्छा माहौल बना है। तो बहुत तरह की इस तरह की घटनाएँ हैं जिसमें बहुत तरह के मेरे साथी और बहुत तरह के लोगों को मैं जान रहा हूँ जो इस पर लिख भी रहे हैं, कुछ कई तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बातें आएंगी, हाँ बहुत तरह की बातें हैं, आएंगी बातें। फिल्म के म्यूज़िक, जो फिल्म का जो लास्ट सॉन्ग है, एक तो इस फिल्म के ओरिजिनल स्कोर, बैकग्राउंड स्कोर की बहुत तारीफ लोगों ने की, चर्चा की, तो उसका क्रेडिट बहुत जाने माने बापी टुटुल दा को जाता है, जिन्होंने सरकार राज, घोसला और कई सारी बहुत इंडस्ट्री को बेहतरीन फिल्में दी हैं, बहुत बढ़िया ओरिजिनल स्कोर दिया है, तो उन्होंने मेरी फिल्म का ओरिजिनल स्कोर किया है। और वो जो लास्ट सॉन्ग है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसका वो उसको उसका म्यूज़िक किया है द लेजेंड रॉक स्टार लेज़ली लुईस ने। तो हुआ ऐसे कि एक दिन मेघा आई मेरे पास और मेघा ने मुझे एक सॉन्ग दिया, बोला कि मेघा जिसने इस फिल्म का गाना गाया है, हाँ मेघा श्रीराम डाल्टन के नाम से वो जानी जाती हैं, जिन्होंने शिवाय और शिवाय का बोलो हर हर और बहुत तरह की बहुत अनुराग कश्यप की दैट गर्ल इन येलो बूट और कोक स्टूडियो सीजन फर्स्ट के सिंगर। और इन सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है कि मेघा है जो इस देश में गांधी ट्राइबल्स लैंग्वेज में जो गीतों को का उसने रिसर्च किया है और गांधी गीतों के लिए मेघा जानी जाती है। ट्राइबल हमारे इंडिजिनियस लैंग्वेज को देश दुनिया भर में गीत के माध्यम से चर्चे में लाने के लिए जानी जाती है। तो मेघा वो है और मेघा इस फिल्म की वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी है। तो हुआ ये यूँ कि मेघा एक बार एक आई और मुझे गाना दिया कि राम ये गाना सुनो, लेज़ली सर ने इसको कंपोज किया है और तुमको दिया है। तो मैंने गाना सुना तो वो गांव छोड़ब नहीं गाना जो एक है हमारे झारखंड का बहुत पॉपुलर गीत है, तो उस गीत को उन्होंने नए तरीके से कंपोज किया था। तो मैंने गाना सुनते ही, अच्छा तो था ही गाना, लेकिन मुझे जिस तरह का गाना एंड स्क्रोल में जहाँ फिल्म कहानी ख़त्म होती है वहाँ पर जो गाना चाहिए
मुझे ख़ास तरह का एक टेम्पो और हाँ वो फास्ट पेस का चीज़ चाहिए था। तो मैंने बोला कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा नहीं चलेगा। तो मेघा को बड़ा ऑड लगा कि ऐसा सुनो तुम क्या चलेगा नहीं चलेगा तुम बाद में बताना, पहले तुम उनको थैंक यू तो बोलो। हाँ उन्होंने तो अपनी तरफ से बना करके दिया है। तो मुझे लगा कि नहीं ये बात तो ठीक है, तो मैंने बोला मुझे मिलवाओ मैं सर से बात करूँगा। तो एक मीटिंग उसने रखी और मैं गया सर से मिलने और उनको मैं थैंक यू बोलता है। उससे पहले सर ने बोला कि कैसा लगा गाना, तो मैं सर वो गाना सर मुझे चाहिए नहीं। तो उनको अच्छा तो बताओ क्या चाहिए तुमको। हाँ तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई और उन्होंने बोला अच्छा तो तुमको ऐसा करो तुम पहले बिरयानी खाओ, हाँ मैं कुछ सोचता हूँ इस पर। और फिर बैठ के कुछ करने लगे और थोड़ी देर के अंदर वो गीत निकल के आया, वो गाना निकल के आया, वो ज़बरदस्त आया। हालांकि इस पर फिर उन्होंने बहुत लंबा काम किया, लेकिन वो एकदम किक दिया मुझे। और इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है गीत, उस गीत के बोल, उसका लिरिक्स। तो हालांकि ये इसको लिखा है हमारे साथी प्रमोद कुमार सिंह उर्फ परिंदा, उसको मैं परिंदा बोलता हूँ, वो खुद को परिंदा बोलता था। ज़बरदस्त लिखता है वो, लिखता था। तो उसके लिखे हुए अभी वो लोगों के जहन में हैं, बहुत जगहों पे बहुत सारे माध्यम हैं जहाँ पे उनको पढ़ा जा सकता है, प्रमोद कुमार सिंह परिंदा। तो ये उनकी लिखी हुई कविता थी और इस कविता को गीत में कन्वर्ट करना वो एक अलग तरह का चैलेंज था। हाँ उसके जो उसके जो उसका जो थॉट प्रोसेस और जो उसका लिखने का मीटर वगैरह रहा है। तो अक्सर मैं बहुत पहले भी मेघा और बहुत साथियों को मैं बोलता था कि अरे अरे परिंदा के गीतों को, परिंदा के कविताओं को गीतों में कन्वर्ट करना चाहिए। तो लोग बड़े म्यूज़िक कंपोज़र वगैरह सब बड़े परेशान हो जाते कि अरे यार ये ये तो कविताएं हैं, इसको मतलब ये फिल्म गीतों की तरह नहीं है। मुझे लगता था कि मुझे उसमें तो रिदम है, मुझे दिखता था हमेशा। मेघा इस बात को पकड़ती थी कि मेघा ये तो मेघा ही इकलौती सिंगर है जिसने परिंदा के कविताओं को गीत समझा और उसने बहुत और भी कई सारी परिंदा के कविताओं को उसने गीत में कन्वर्ट किया है। लेकिन ये ऐसा मामला है। अच्छा दूसरा ये कि जब ये सब गीत बन गया, बहुत बढ़िया गीत बना, तो अब मुझे चाहिए था कि मतलब वो बहुत वेल कंपोज्ड और ये गाना लोगों के बीच मतलब ये सूट होना चाहिए। तो द लॉस्ट बहरूपिया के मेरे वन ऑफ द प्रोड्यूसर साथी रुपेश सहाय जो उसके उस जो जिन्होंने द लॉस्ट बहरूपिया को कॉन्सेप्चुलाइज भी किया था, उनको मैंने, वो एड एजेंसी में काम करते हैं, तो उनको मैंने पूछा कि सर आप मेरे फिल्म का आखिरी गाना उसको शूट करेंगे क्या। तो गाना उनको बहुत पसंद था, बोला हाँ हाँ चल करूँगा। बहुत महंगे आर्टिस्ट है वो तो लेकिन उन्होंने हामी भरी और फिर हम लोग गए झारखंड में, पूरा प्लान किया और सब शूट किया गया। तो ये इसके ब्यूटी का क्रेडिट उनको जाता है और साथ में हमारे फिल्म के उस गाने को शूट करने वाले बाकी DOPs को जाता है। इसमें नकुल गायकवाड़ हैं, राजेश सिंह हैं, पवन मिश्रा है और मेरे फिल्म में और भी जो सिनेमाटोग्राफर हैं सैंडी है, साकेत सौरव है और अरुण सिंह हैं, रवि शंकर हैं, दो रवि हैं उसमें, उन्होंने कैमरा किया है। तो मेरी फिल्म में बहुत लोगों ने कैमरा भी किया है। तो चूँकि गाने की बात कर रहे हैं तो गाने में मतलब इन लोगों ने कैमरा किया है। फिल्म स्प्रिंग थंडर फिल्म को मैंने जब मुझे लोगों के बीच में चर्चा में लाना था तो फिल्म का विषय जो कोर सब्जेक्ट है वो है वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड। तो अब मैं ये देखता था कि देश भर में जो तमाम तरह के विषय हैं, आमतौर पे ये चर्चा का विषय नहीं होता था यूथ के बीच में, सोसाइटी में लोग हैं जो अपने रोज़मर्रा और बाकी चीज़ों में उलझे रहते थे। और नहीं, मैं नहीं सुनता था कि कोई जल जंगल ज़मीन पे बात कर रहा हो या उनकी चिंताओं में जल जंगल ज़मीन हो। हाँ इन्वायरमेंट के नाम पे ये रहता था कि हाँ भाई
एक पर्यावरण दिवस मनाया जाता है साल में एक बार, और वो एक बस उसको उस तरह से मैं चर्चे में समझता था। लेकिन वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड, जल जंगल ज़मीन, ये जो टर्म्स है ना, ये एक इसके पीछे बहुत मतलब, जहाँ जो फिल्म भी जिस पे बेस्ड है वो इस देश और इस दुनिया का जो सबसे बड़ा आंदोलन है, इनफैक्ट ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो रिसेंट काल में पिछले कई सालों में ये जिंदा आंदोलन, वो इकलौता जिंदा आंदोलन है जिसको मैंने अपने सिनेमा में इनकॉर्पोरेट किया है, इसमें अपने सिनेमा में दिखाने की कोशिश की। इस फिल्म को लोगों के बीच में चर्चे में एक बहस, आमतौर पर फिल्म वही रिलीज होती है जो सोसाइटी डिमांड करती है, मतलब वो डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करना होता है, एजेंसीज़ वगैरह या फिर फिल्म के लोग जो हैं वो कोई भी फिल्म लाने से पहले उसको उसकी ज़रूरत पहले क्रिएट करते हैं, सोसाइटी में एक बहस खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि इस फिल्म की ज़रूरत क्यों है और क्यों आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, तब आदमी जा कर के निकल के थिएटर में और जहाँ भी वो फिल्म देखता है। तो अब मेरी फिल्म की ज़रूरत कौन खड़ा करे, हाँ मेरी फिल्म के विषय पे बात कौन करे। तो मैं फिल्म कंप्लीट करने के बाद कुछ फेस्टिवल्स वगैरह में हम लोगों ने फिल्म भेज दी थी, और ये लग रहा था कि अच्छा फेस्टिवल करेगा क्या, तो ये बात समझ में आई कि फेस्टिवल अगर आपके फिल्म को अटेंशन देता है या उसको किसी भी तरीके से अवार्ड या ये वो करके अगर चर्चे में लाता है तो लोगों का ध्यान जाता है और लोगों का अटेंशन जाता है आपकी फ़िल्म पे, और तब आपकी फ़िल्म के बारे में बातचीत चर्चा शुरू होती है। तो मुझे समझ में अच्छा चर्चा चाहिए, तो मैंने सोचा कि अच्छा जब यही काम करना है तो मैं पहले सोसाइटी में एक अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ, और मैं मुंबई से झारखंड में एक पदयात्रा मैंने प्लान की और मैं निकल गया, और निकला बैग बैग कस करके, और टी शर्ट पे वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड, हाँ जल जंगल ज़मीन हमारा मूलभूत अधिकार है, और फिल्म का नाम स्प्रिंग थंडर, ऐसे समझ में आया कि देश भर में हाँ इसको चर्चे में लाना है। तो मैं गांव-गांव घूमना शुरू कर दिया पैदल, मुंबई से निकला 15 मई को, और 15 मई 2018 को, और मैं घूमना शुरू किया। एक साथ में एक स्कल्प्टर के द्वारा बनाया हुआ एक आर्टवर्क भी मैंने रख लिया, हाँ जो 80-85 किलो का था, और उसको एक ट्रॉली बना करके उसको पुश करना शुरू किया, कुछ फ्लैग वगैरह बना लिए और लेकर एक घूमता कि भाई वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड, हाँ तो सब जगह इस पर चर्चा होती, बात होती, लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि भाई एक आदमी है जो गांव-गांव घूम रहा है इस आइडिया पे, तो लोग मुझसे बात करते सुनते, कई तरह के लोग मुझे मिलते, हर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे मुझे अलग अलग जगहों पे अलग ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम तरह के लोग मिलते और इस विषय पे बातचीत करते, और इसी क्रम में मैं इस विषय पे लोगों के बीच में चर्चा करता और फिर अपने फिल्म की भी चर्चा करता। तो ये सब करते हुए फिल्म को, फिल्म जब उसको फिर सैन फ्रांसिस्को से एक कॉल आया कि इसको फिल्म को एक फेस्टिवल में बासफ बे एरिया साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, तो वहाँ इसको सेलेक्ट किया गया है और वो लोग इनवाइट कर रहे थे। तो इस फिल्म को ले जाने वाले शीलादित्य बोरा, इन्होंने रिकमेंड किया था सिनेमा, शीलादित्य बोरा इन्होंने न्यूटन मसान और इन सब फिल्मों के पीछे के आदमी यही हैं, तो मैं थैंकफुल हूँ इनका। मैं गया वहाँ और फिल्म वहाँ दिखाई, लोगों ने फिल्म काफ़ी सराहा और फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला, और जगहों पे बाद में फिल्म दिखाई, इसको बेस्ट स्क्रीन प्ले और इस तरह के कई अवार्ड वगैरह मिले। फिर मैं मुझे लगा कि अच्छा अब तो चूँकि अब सब जगह चर्चे में हो गई है तो फिल्म को थिएटर मिलेगी। यहाँ आया तो मैंने बहुत लोगों ने इधर भी कई तरह की बातचीत हुई, मिस्टर अनुभव सिन्हा बहुत जाने माने फिल्म मेकर हैं, इन्होंने फिल्म देखी, इनको फिल्म अच्छी लगी। बाद में ये प्रहलाद कक्कड़ सर ने ये फिल्म देखी, फिल्म देख करके बहुत खुश हुए, हाँ उन्होंने बोला इसको तो तुरंत रिलीज करना चाहिए, तो उन्होंने कहा सर वही तो करना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि श्याम जी को एक बार फिल्म दिखाओ, हाँ श्याम जी अगर जुड़ जाएँ साथ में, तो श्याम सर को उन्होंने खुद ही अप्रोच किया और मेरी मीटिंग अरेंज हुई, और श्याम बेनेगल सर को मैंने ये फिल्म दिखाई, सर ने भी फिल्म बहुत अप्रिसिएट किया। फिर बाद में प्रकाश झा, हाँ इंडस्ट्री के जाने माने वरिष्ठ फिल्म क्रिटिक अजय ब्रह्मात्मज जी ने प्रकाश झा सर को फिल्म के बारे में बताया, तो उन्होंने फिल्म मंगाया, देखा, उनको फिल्म बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि मैं तुमको दूसरी फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ, तुम
हाँ इस फिल्म से निकलो और आगे काम करो। लेकिन संभव मतलब शायद मेरी इनसिक्योरिटी थी या जो भी कह लें, मैं लोगों के बीच में एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली रखना चाहता था कि इस फिल्म को लाने के पीछे कोई दूसरा आदमी नहीं है, वो मैं हूँ। हाँ, और शायद इसी इनसिक्योरिटी ने मैंने के कारण मैं लोगों से जुड़ नहीं पाया या जो भी है। फिल्म को मैंने पिछले साल मेरे साथी जो वन ऑफ द प्रोड्यूसर हैं शशि सिंह, उन्होंने अपने पेज से फिल्म को बोला कि क्या करें, क्या कैसे कर रहे हैं हम, लेकिन नहीं यूट्यूब तो यूट्यूब से ही यूट्यूब पर रिलीज कर दीजिए। तो फिर 26 जनवरी पिछले साल फिल्म को बॉलीवुड अनकट एक यूट्यूब चैनल है उस पर रिलीज किया गया। हाँ, तमाम तरह के चैनल्स पे बहुत जगहों से लोगों का मुझे अक्सर कॉल आता रहता है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आगे पार्ट टू करूँ। तो अभी मैं निकलना चाहता हूँ, मैं अब उस मूड में नहीं हूँ। अब मैं उतना हार्ड उतना टफ कहानी मैं नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अब जो ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको बहुत सॉफ्टली, या दूसरे और भी तरीके हैं कहने के, तो स्टोरी टेलिंग का बहुत तरीका है। तो दुनिया बहुत सुंदर है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल भी एक तरीका है कहानी कहने का। तो मैं दूसरे तरीके से अब कहानियाँ कहूँगा, और तरह की कहानियाँ कहूँगा, और उसी सिलसिले में इन दिनों अभी मैं मुंबई में हूँ और लोग बहुत वेलकम कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, कुछ साथी कुछ लोग हैं जो फिल्म हमारे साथ करना चाहते हैं। तो एक एक कदम बढ़ाया जा रहा है, तो उम्मीद है कि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी फिल्में, अच्छे कंटेंट आप लोगों के सामने रख सकूँ, अच्छे अच्छी म्यूज़िक, अच्छा विजुअल, अच्छी स्टोरी, अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छे एक्टर और इस तरह की चीज़ें मैं ला सकूँ, कुछ नई चीज़ें ला सकूँ। जय झारखंड, जय प्रकृति, जय दुनिया। मुझे ये कहना है, पूरी जितने भी मानव जाति है या जीव जंतु हैं, सब इस प्रकृति के बच्चे हैं, और इस प्रकृति ने हमको, इस मिट्टी ने हमको जन्म दिया है, और दुनिया के सभी चीज़ों को इस मिट्टी ने जन्म दिया है। तो इस प्रकृति के साथ हम कम से कम छेड़छाड़ करें, कैसे हम सामंजस्य बिठा के जी सकते हैं, रह सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, अपने सारे सुविधाएं या संसाधन या टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर सकते हैं, वो बहुत एक ऐसा लाइन है जिस पे हम लोगों को, हमारे आने वाले जनरेशन को, अभी के जनरेशन को और सबको सोचना चाहिए। मात्र पिछले कुछ सालों में, मतलब देखिए, हम लोग पहाड़ के इतने नज़दीक हैं, समंदर के इतने नज़दीक हैं, और अब सनराइज़ के पास वो बिल्डिंग अब छूने वाली है। हाँ, तो कहाँ कैसे क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब चक्कर क्या है कि सोसाइटी को थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि कैसे नेचर के साथ सेट हुआ जाए, कैसे जीवन जीने की शैली पद्धति को विकसित किया जाए। कि तो ये होगा क्या, ये और कुछ नहीं, ये पानी, आपके पेयजल पानी को ये आपको डायरेक्ट डिस्टर्ब करेगा, पानी को डिस्टर्ब करेगा और ऑक्सीजन को करेगा, और हीट टेम्परेचर वो करेगा। तो मतलब मैं यही बोलूँगा कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाएं, तालमेल बिठाएं, और उसके संरक्षण संवर्धन सारे, मतलब सभी जितने भी वैज्ञानिक हैं और दुनिया की सारी चीज़ें हैं, वो उनका उद्देश्य यही होना चाहिए कि मतलब हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर को हम तबाह ना करें। तो सेव नेचर, सेव अर्थ, बिकॉज देयर इज़ नो प्लैनेट बी।